आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। बड़ी खबर, सोने की कीमतों का टूटा 28 महीनों का रिकॉर्ड। इस वक्त की बड़ी खबर, आज ऑल टाइम हाई के बाद सर्राफा बाजार में गिरावट देखने को मिली है। एक रात में सोना सस्ता हो गया है और चांदी के रेट भी गिर गए हैं। अगर आप भी सोना या चांदी में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। सोने और चांदी की कीमतों को लेकर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सोने के भाव में 4000 रुपए तक की बड़ी गिरावट आई है, तो वहीं चांदी के भाव में 10000 रुपए तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में अगर आप भी सोना खरीदने वाले हो तो आपके लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जल्द ही सोने के भाव में भारी बदलाव आ सकता है। चीन की ओर से सोने और चांदी की कीमतों को लेकर बड़ी चौंकाने वाली खबर आ चुकी है। जानेंगे कि दिवाली तक सोने का भाव कितना सस्ता होगा। भारत और चीन दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश है और सोने और चांदी की खरीदारी करने में भी भारत और चीन सबसे आगे है। सोने और चांदी के ग्राहक होने के बाद चीन इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से चांदी की खरीदारी सबसे ज्यादा करता है, लेकिन इस बार चीन की हालत खराब हो चुकी है। अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिली है, चीन के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ऐसे में चीन चांदी की खरीदारी कम कर चुका है, लगातार खरीदारी में गिरावट देखने को मिली है। चीन से चांदी की डिमांड कम होने के बाद चांदी के भाव में लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिली। चांदी के भाव में लगभग 10000 रुपए तक की बड़ी गिरावट आ चुकी है। कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि अमेरिका की रिजर्व बैंक फेडरल रिजर्व ने आने वाले महीनों में ब्याज दर बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया है और इसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ा है। वहीं आपको जानकारी दे दे कि अमेरिका की केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर के ऐलान के बाद ही यूरोप और एशिया की कई सारे केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दर में बड़ी तेजी कर दी है और इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ा है और इसीलिए सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ तक कि आने वाले महीनों में सोने के भाव में और गिरावट आ सकती है। कई कारोबारियों का तो ये भी मानना है कि सोने के भाव में महामंदी आ सकती है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आ सकती है। कारोबारियों का मानना है कि पिछले 6 महीनों में सोने के भाव में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली, हालांकि अब सोने के भाव में ज्यादा गिरावट आ सकती है। कारोबारियों का अनुमान है कि दिवाली तक सोने के भाव में और गिरावट आ सकती है। अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करना चाहते हो तो गिरावट पर खरीदारी कर सकते हो। वही अगर बात करें कि दिवाली तक सोने और चांदी का भाव क्या होगा, तो इसको लेकर कमोडिटी बाजार के कारोबारियों का मानना है कि आने वाले कुछ महीनों तक सोने के भाव में गिरावट जारी रह सकती है। हालांकि भारत में दिवाली के समय सोने की मांग ज्यादा रहती है, ऐसे में सोने की डिमांड ज्यादा रह सकती है, यानी कि कीमतों में तेजी रह सकती है। अगर आप सोने और चांदी की खरीदारी करना चाहते हो तो सोने और चांदी की कीमतों में आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर कर देनी चाहिए, क्योंकि सोने के भाव में गिरावट आ सकती है।